उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण बाहरी राज्यों से हमीरपुर लौट रहे लोगों की निगरानी के लिए अभी आवश्यक उपप्रबंध किए गए हैं। ऐसे लोगों को कड़े होम क्वारंटाइन पर रखने के साथ साथ हॉटस्पॉट से लौटे लोगों के परिजनों की आवाजाही भी सीमित कर दी गई है, ताकि वे किसी भी तरह से अन्य लोगों के संपर्क में ना आए। उन्होंने कहा कि घर में क्वारंटाइन व्यक्तियों की निगरानी के लिए 3 स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। पंचायतों में निगरानी दलों के अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग भी इसमें अपनी स्तर पर ब्यौरा रखे हुए हैं। सभी उपमंडल अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे सप्ताह में 2 बार लगभग 10-10 पंचायतों में जाकर होम क्वारंटाइन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इसमें खंड विकास अधिकारी व विभागों के कर्मियों का भी सहयोग लें। अतिरिक्त जिला दंड अधिकारी तथा वे स्वयं भी अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण स्वयं करेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर ठीकरा पहरा भी कड़ा कर दिया गया है और गांव के स्वयंसेवियों को इसमें शामिल कर सेवाएं ली जा रही हैं। इसमें सुधार करते हुए अब ये लोग होम क्वारंटाइन व्यक्तियों की गतिविधियों पर भी निरंतर नजर रखेंगे और कहीं वे अपने परिजनों से तो अधिक संपर्क नहीं कर रहे हैं। हॉटस्पॉट से आए व्यक्तियों के परिजन बाहर बाजार अथवा अन्य कार्यस्थलों पर तो अन्य लोगों से संपर्क में नहीं आ रहे हैं। इन संभावनाओं को भी कम किया जा रहा है। क्वारंटाइन व्यक्ति को कड़े ढंग से घर में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं और इसका उल्लंघन करने पर उन्हें संस्थागत संगरोधक केंद्रों में भेजा जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। हमीरपुर में पिछले एक हफ्ते में लगभग 12,000 से ऊपर लोग आए हैं जो अंडर होम क्वारंटाइन है, और इसको लेके हमने सभी एसटीएम्स, पुलिस डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, पंचायत राज से, बीडीओस, सभी के साथ रिव्यू मीटिंग की थी। और इसमें हमने ये देखा है कि जो लोग हैं 12,000+ अंडर होम क्वारंटाइन के, मोस्ट ऑफ द जो ये जो इंटर स्टेट मूवमेंट है, वोट स्पोर्ट से आए हुए हैं, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने एहतियात के तौर पे ये कंपलसरी बनाया है, चाहे वो पंचायत से सेक्रेटरी, प्रधान, वार्ड मेंबर या सर्विलेंस टीम से आशा वर्कर, मेल या फीमेल हेल्थ वर्कर, या रिवेन्यू साइड से पटवारी अपने सर्किल में कितने लोग आए हैं उनका रिपोर्ट रखेंगे। पुलिस वेरियस पे अपना रिपोर्ट मेंटेन कर रही है। हम तीनों रिपोर्ट, जो पुलिस का है, चाहे सर्विलेंस टीम का है, पंचायत का है, तीनों को मैच करके देखते हैं कि किस तरीके से मूव कर सकते हैं। आज स्पेशली होम क्वारंटाइन को मोर कारगर बनाने के लिए हमने ये डिसाइड किया है कि सभी एसटीएम्स कम से कम 10 पंचायतों को विद हेल्प या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से वीडियो इन टीमों के साथ पंचायतों को विजिट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि फील्ड में किस तरीके से होम क्वारंटाइन को फॉलो किया जा रहा है। हमने हर पंचायतों में, स्कूलों में जो लोग हैं अगर फॉलो नहीं करते हैं होम क्वारंटाइन को, या होम क्वारंटाइन में दिक्कत है, कई लोग घर छोटे हैं और ज़्यादा लोग आए हैं तो उनका आइसोलेशन में रहना डिफिकल्ट है, तो स्कूल लेवल पे उनको होम क्वारंटाइन में रखा जाए, लोकल ही स्कूल लेवल पे इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन किया जाए, लोकल ही अरेंजमेंट होगा तो चीज़ें मैनेज करना आसान रहेगी। इसके अलावा आज भी मैंने 4 पंचायतें देखी थी, सदरियाणी, महल, ताल, डिडवी, टिक्कर, और एडीएम साहब भी सुजानपुर साइड में पंचायतों में गए थे। हमारे एसडीएम सभी आपको एज पर डायरेक्शन सभी विजिट कर रहे हैं पंचायतों में। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि पंचायत लेवल पे या जो मार्केट प्लेस है या वहाँ अनाउंसमेंट सिस्टम रखा जाए, सुबह और शाम को 5-5 मिनट उस अनाउंसमेंट को चलाया जाए और लोगों को अवेयर किया जाए कि कौन लोग क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। और उसके अलावा जो कुछ गाड़ियां मूव कर रही हैं, चाहे गैस की गाड़ी है, जो सिलेंडर डिलीवर कर रही है, कुछ इस तरह से पब्लिक यूटिलिटी है, वहाँ भी हम लोग अनाउंसमेंट का सिस्टम रखेंगे। सो ये जो होम क्वारंटाइन रखने का सिस्टम है और सावधानियाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को लेके है, इन चीज़ों को फॉलो किया जा सके। पंचायतों में भी या डिपार्टमेंट्स के भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, लोगों का मूवमेंट बढ़ रहा है, तो इसी कंटिन्यूटी में हम ये भी अपील है कि सभी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और कई बार आज भी हम लोगों ने कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, मास्क नहीं लगा रहे हैं। और दुकानदार भी, अगर जो दुकानदार किसी भी कस्टमर को जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ है उसको अगर सामान नहीं दे
इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं और इसको हम लोग चालान का भी इसमें प्रोविजन है और सभी से अपील है कि और पब्लिक प्लेसेस में मास्क का यूज़ करें। थैंक यू। थैंक यू।